हेलो भाई, मैं सचिन सनसनवाल, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी 800 के बारे में। भाई मारुति की है इतनी पॉपुलर गाड़ी है, मतलब सबसे पहले यही आई थी, मतलब लोग इसके इतने दीवाने थे, मतलब बहुत ज़्यादा। और ये 2006 वाला मॉडल है। आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं कि यार ये कितनी, मतलब क्या क्या गाड़ी में इसमें मिलता था उस टाइम पर, कैसी थी, इंटीरियर एक्सटीरियर से बात करने वाले हैं इसके से। तेरा मतलब गाड़ी का इसका तो क्रेज़ एक नेक्स्ट लेवल का था उस टाइम पर। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं भाई। मतलब आज भी इतनी मिंट कंडीशन में है ना ये गाड़ी, मतलब भाई ने इतनी ज़बरदस्त बना के रखी है, बहुत मतलब ज़बरदस्त। यार मैं जा रहा था यहाँ से तो मैंने देखी थी ये भाई के पास गाड़ी, तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर तो एक वीडियो बननी चाहिए, अपने भाइयों के साथ शेयर करनी चाहिए। मतलब भाई इतनी ज़बरदस्त कंडीशन में है, और मतलब पेंट वगैरह भी इस पर कोई रीपेंट नहीं करवाया, वही पेंट है जैसा आती है, मतलब बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, देख सकते हो आप। मतलब इसमें कंपनी का ही है जो भी सामान है, आफ्टर मार्केट इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं है, जो जो है मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसका जो इंजन था वो 800 सीसी वाला आता था, ये कुछ ऐसी लगती है भाई, देख सकते हो आप। एंटीना मिलता है आपको वहाँ पे, ये भाई आर्मी में लग रहे हैं। यहाँ पे ये दो वाइपर्स मिलते हैं भाई, यहाँ पे दो वाटर नोजल मिलते हैं भाई। उस टाइम पे मतलब यार गाड़ी का एक नेक्स्ट लेवल का टोरा था यार, मतलब ये गाड़ी मिलती नहीं थी हर किसी पे, मतलब जो पैसे वाले होते थे उनके पास ही होती थी उस टाइम पे। लेकिन अब तो नेसेसरी बन गई है गाड़ी, मतलब हर किसी के पास होती है, घर घर में गाड़ी खड़ी है भाई आजकल तो। लेकिन उस टाइम पे तो भाई ये गाड़ी रेयर ही मिलती थी, बहुत कम लोगों के पास। तो देख सकते हो ये इसके ऐसे हेडलैम्प्स आते थे भाई उस टाइम पे, मतलब ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये भाई ने थोड़ी मॉडिफिकेशन सी करवा रखी है, इसमें बल्ब से लगवा रखा है, बाकी बट ये सेम ही है, ऐसे ही आते थे हेलोजन में। बाकी उस बहुत ज़बरदस्त लगते थे यार उस टाइम पे ना, ये ऐसे कुछ फॉग लैम्प की जगह रिफ्लेक्टर टाइप आते थे, काफ़ी मस्त लगते थे ये। यहाँ पे कुछ ऐसी ग्रिल मिल जाती थी आपको, सुजुकी का लोगो मिल जाता था यार, वो ही है ना, मतलब सुजुकी ने तो मारुति ने तो शुरू से ही लोगों के दिलों पर राज किया इंडिया में, तो मतलब ये ऐसे ही बेस्ट का वो नहीं बनी है भाई कंपनी, ऐसे ही मतलब इंडिया वालों के दिल में जगह नहीं बनाई है इसने, बहुत ज़बरदस्त सही सही काम किए हैं इसने, बहुत सही मतलब इस गाड़ी में फीचर्स वगैरह और मतलब हर तरीके से इसकी जो सर्विस कॉस्ट वगैरह सब कुछ इसमें, मतलब अपने कस्टमर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है भाई मारुति, तभी तो मारुति के इतने दीवाने हैं हमारे यहाँ पे लोग। तो ये कुछ ऐसी लगती थी भाई फ्रंट से, देख सकते हो आप। टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ इसके की भाई, तो भाई टायर कितना बड़ा होगा वो, 13 इंच को ना, हाँ 13 इंच के ऐसे टायर आते हैं। अभी नए बदलवाए लगे भाई, ये 7 के ही हैं जब तक गाड़ी चल रही है। ओ भाई मतलब ये देखो टायर की कंडीशन देखो भाई आप इसकी, बिल्कुल नए यार। मैं तो अभी पूछ रहा था भाई से कि कब डलवाए थे, अभी नए 2-4 दिन में डलवाए हैं क्या, ये वही है भाई 7 वाले टायर हैं बिल्कुल। यार गजब यार भाई, चलाते भी हो या नहीं चलाते यार, कमाल की बात है। ये ऐसे कुछ टायर भाई कमाल है यार, मतलब वही है 2006 मॉडल और टायर वही है यार, उस टाइम पे आते थे जिगमा सीसी। ये ऐसे कुछ मडगार्ड यहाँ पे मारुति का लोगों मिलता था, ऐसे मारुति का ऐसा होता था भाई, पहले देख लो आप। यहाँ पे ये इंडिकेटर की प्लेसिंग मिलती थी और ये नीचे साइड ग्लाइडिंग से मिलती थी, ये ब्लैक कलर की काफ़ी बढ़िया लगती थी भाई। ऐसे इसके ORBM थे भाई बिल्कुल पतले से, छोटे छोटे से, अल्टो में भी ऐसे आते थे लेकिन वो थोड़े मोटे से थे अल्टो में, इसमें ऐसे आते थे भाई, ऐसे ही खुद ही एडजस्ट करने पड़ते थे बाहर से ही। तो यार उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं हुई थी। बाकी यहाँ पे ये एंटीना मिलता है आपको, एंटीना तो भाई ख़राब कर रखा है शायद, नहीं सही है ये एंटीना। यहाँ पे मैनुअली खोलने पड़ते थे, ऐसे कुछ इसके डोर हैंडल मिल जाते थे भाई आपको। ये कुछ ऐसी लगती है भाई साइड से, देख सकते हो आप। पीछे की अगर मैं बात करूँ तो भाई पीछे से भी एक अलग ही लुक थी इसकी, देख सकते हो आप। एसी वाली गाड़ी है भाई ये, एसी में आती थी, एक नॉन एसी में आती थी, एसी में ही थी, UP 85 नंबर है ये। यहाँ पे 800 की बैजिंग मिल जाती थी आपको, काका की बैजिंग तो ये इन्होंने बाद में लगवाई है। यहाँ पे मारुति सुजुकी की में बैजिंग मिलती थी भाई। यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता था ऐसा, डिफोकर विफोकर तो इसमें नहीं मिलते थे। यहाँ से ये बड़ा यूनिक तरीका था खोलने के लिए इसको, डिग्गी को खोलने के लिए इसकी बूट स्पेस को, नीचे बम्पर सा मिल जाता था भाई। इस पे तो पेंट है ना, इस पे बाद में पेंट करवाया है थोड़ा बहुत यार,
हाँ थोड़ा बहुत ही है, नहीं वो ये साथ वाला ही है यार, काफ़ी सही कंडीशन बना रखी है भाई गाड़ी की ना। ये जो इसके लाइट है पीछे वाली है तो साथ की है ना, पहली सब सामान है ना। ये ऐसे कुछ इसके टेल लैम्प्स थे भाई उस टाइम पे, देख सकते हो आप, गजब यार, मतलब बहुत सही थे यार। ये गाड़ी दूर दूर तक नहीं होती थी भाई उस टाइम पे, आपको खैर पता ही होगा सब जो भी भाई हैं। और इसका ये देखो भाई, इसका जो ये फ्यूल टैंक था ना, ये चाबी से खुलता था उस टाइम पे ना, अंदर से कोई लीवर नहीं था इसको खोलने के लिए। आजकल तो मतलब इतनी सुविधा दे दी गाड़ियों में, अंदर से ही खोलो, लेकिन ये उस टाइम पे चाबी से खोलना पड़ता था, देख सकते हो आप। तो ओवरऑल कुछ ऐसी है भाई गाड़ी। इंटीरियर और दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब इसका बेस्ट पार्ट की दिखाऊँ अगर मैं आपको, तो इसकी ऐसी की मिलती है भाई, ये साथ वाली की है, थोड़ा सुजुकी का लोगो मिलता था, ये टूट गई है थोड़ी सी। इंजन एक बार खोलिए भाई, अगर इंजन कंपार्टमेंट खोल, इंजन दिखाता हूँ मैं आपको इसका, इंजन में कितनी चमक है भाई 2006 मॉडल होते हुए। ये देखो भाई, ये है इसका इंजन यार। इस पे तो मतलब थोड़ा जंग वंग सा लग रहा, बट कंडीशन है इसकी काफ़ी सही है। साफ वाफ ना करवाए करो को भाई, यहाँ पानी वानी मारे करो यार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मारुति उद्योग लिमिटेड इंडिया, ये उस टाइम पे वहाँ पे बनती थी ये। इसको भाई साफ नहीं करते, बाकी इसका जो ये इंजन वगैरह है मिंट कंडीशन में, एक नंबर है बिल्कुल, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है भाई। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल एक नंबर है, मतलब गाड़ी भाई। भाई इसको बेचना चाहते हो आप है? अगर कोई भाई इसको खरीदना चाहे तो बता, बेचना चाहेगा? अभी कोई इच्छा ना है बेचने की? हाँ तो बता, बने तो बताइए भाई। अच्छा अच्छा ये भाई इसके इंटीरियर और दिखाता हूँ मैं आपको। ये ऐसा डोर मिलता था भाई इसका, मतलब ये तो ये कपड़ा सा, ये प्लास्टिक ही है भाई, ये कपड़ा वगैरह नहीं है, कपड़ा जैसी फील दे रहा है, बट इसमें बोतल होल्डर वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं आता था। यहाँ से पकड़ने के लिए था, ये खोलने के लिए था, ये शीशे वगैरह चढ़ाने के लिए था। ये कुछ ऐसा इसका इंटीरियर है भाई। ये सीट कवर बाहर से चढ़वा रखे हैं भाई ने। बाकी भाई इन पर ये जो ये हेडरेस्ट आते हैं, मतलब जो ऐसे हैं इसमें वो पड़े घर रखे हैं, इन पे हेडरेस्ट भी थे, वो भाई ने उतार के रख रखे हैं। चलिए एक बार अंदर बैठते हैं भाई, गजब फीलिंग है यार इसमें बैठने की तो ना, एक नंबर यार। ये देखो आप मॉडिफिकेशन देखो भाई की, बिल्कुल गजब है यार, एक नंबर। ये ऐसे कुछ एसी वेंट्स थे भाई उस टाइम पे, ऐसे मिलते थे, देख सकते हो आप, ऐसे एसी वेंट्स मिलते थे। यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टोरेज मिल जाएगी, यहाँ पे बोनट खोलने के लिए लीवर मिलता था, ये थ्री पेडल्स, ब्रेक, क्लच, रेस। यहाँ पे लाइट के लेवलिंग के कंट्रोल मिलते थे भाई ऐसे यहाँ पे, यहाँ पे ये हेडलैम्प्स के कंट्रोल देखो आप, यहाँ पे ये वाइपर्स के कंट्रोल भाई। एक बार मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। ये ऐसा कुछ स्टीयरिंग मिलता था भाई, मारुति लिखा आता था उस पर, वही साथ वाला ही हॉर्न है भाई। भाई हॉर्न भी साथ वाला ही है भाई का, गजब यार, मतलब एक नंबर है भाई। ये देखो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई, ये ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था। एक बार मैं इसको उत्तरी के भाई, मतलब हाफ सेल्फ स्टार्ट है गाड़ी तो भी। ये देखो यहाँ पे आपको फ्यूल के लिए मिलता था, यहाँ पे ये इंजन के लिए मिलता था, यहाँ पे ये स्पीडोमीटर मिलता था, 140 तक टॉप स्पीड थी इसमें। यहाँ पे ये बैटरी वगैरह के लिए, फ्यूल व्यूल वगैरह के लिए, हैंड ब्रेक वगैरह के लिए मिलते थे। और ये देखो भाई ऐसा था इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सही है यार उस टाइम पे, मतलब एक गजब फीलिंग थी भाई, ये मतलब एक ड्रीम था उस टाइम पे लोगों का ना ये गाड़ी, सीरियसली भाई। यहाँ पे ये एसी के कंट्रोल मिलते हैं भाई आपको यहाँ पे, ये देखो थोड़ा यूनिक्स थे बट गजब थे यार, मतलब मारुति ने काम शुरू से ही तगड़े वाले करे हैं भाई, जो बात है, मतलब पीछे नहीं रही है भाई ये, जो बात है किसी भी मामले में। यहाँ पे ये स्टोरेज मिलती थी भाई ऐसी, ये बंद हो जाती थी, दो एसी वेंट्स यहाँ पे मिलते थे, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे ये कुछ ऐसे ही है, ये मतलब चार्जिंग पोर्ट वगैरह के लिए पॉइंट छोड़ रखे थे, अगर कोई चाहे तो लगवा सकते हैं। ऐसा म्यूजिक सिस्टम इसमें इन्होंने लगवाया बाहर से, यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती थी। ऐसा कुछ गियर लीवर था भाई इसका, देख लो बस स्कॉर्पियो की तरह का सा, मतलब पतला सा लंबा सा, एकदम गजब यार, मतलब तगड़ा लग रहा है भाई देखने में। हैंड ब्रेक भाई इसकी
कैसी अजीब सी है, मतलब होती तो ऐसी है ही, लेकिन इस पे से उतर गया वो, ऊपर से जो भी होता है पतली सी ऐसी हैंड ब्रेक मिलती है, ऐसी सीट्स बेल्ट मिलती है भाई इसमें, देख सकते हो यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंपार्टमेंट मिलता है, इसमें तीन ही एसी वेंट मिलते हैं भाई, दो यहाँ पे मिलते हैं एक यहाँ पे मिलता है, तीन ही एसी वेंट्स मिलते हैं इसमें। ये कुछ ऐसा इसका IRBM था भाई, जो खुद ही सेट करना पड़ता था, ऐसे इसके सनवाइजर थे भाई, गजब यार उस, मतलब साथ वाले ही हैं, मतलब देख सकते हो आप, बहुत सही है यार, ऐसे सनवाइजर मिलते थे। ये लाइट लाइट भी भाई वर्किंग में है, गजब है यार, एक नंबर। ऐसे कुछ ग्रैब हैंडल्स मिलते थे, ये देख सकते हो आप, तो भाई ऐसी लगती थी गाड़ी ओवरऑल आगे से यार, गजब है यार, मतलब एक नंबर गाड़ी। गाड़ी का इसका अलग ही मचा था भाई। पीछे चल के देखते हैं इसमें पीछे कितना स्पेस है, ये देखो भाई पीछे, पीछे भी यार बढ़िया स्पेस है, एक नंबर है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो आप, तीन बंदे मतलब एकदम बैठ सकते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है, कैसी भी मैं बैठा हूँ एकदम मस्त बैठा हूँ, और ये सीट भी मैंने अपने अकॉर्डिंग फिक्स करी थी, गजब यार, मतलब फिर भी मतलब मेरे पास स्पेस, देखो आप, कोई मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, देख सकते हो आप वहाँ से वहाँ तक, एक नंबर है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। पीछे इसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह टिकवाया भाई ने बाद में, यहाँ पे ये ग्रेव हैंडल्स मिल जाते हैं, पीछे से कुछ ऐसा लगता है इसका डैशबोर्ड। बाकी भाई इन्होंने ना ये मेंटेन नहीं कर रखी गाड़ी, मतलब अंदर से इसका इंटीरियर वगैरह, ये चलाते भी नहीं है इसको। 45,000 कुल्ली, 45,000 चलिए भाई ये कुल्ली गाड़ी ना, 47,000 देख सकते हो आप, अगर आप देख पा रहे हो तो 47,000 यार कुल्ली गाड़ी चली है इन पे 2006 से अब तक, मतलब इन्होंने थोड़ी साफ सफाई सी नहीं कर रखी, मतलब एक नंबर यार, नहीं साफ सफाई करें तो गाड़ी में वैसे कोई दिक्कत नहीं भाई। मैंने अभी देखी थी, हाफ सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है भाई, एक नंबर का थी, मतलब दबती नहीं है गाड़ी, चलाने में भी एक अलग ही मजा है यार इसको, मतलब गजब है यार एकदम। यहाँ पे पकड़ के खोलने के लिए देख सकते हो आप, शीशे वगैरह चढ़ाने के लिए भाई मस्त है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार बाहर उतरते हैं भाई, अगर इस गाड़ी को बेचो ना तो एक बार कांटेक्ट जरूर करना है ना, बेचोगे ना कबाड़े में कटवाओगे, है कबाड़े में क्यों कटवाओगे भाई, कबाड़े में कटवाने तो बढ़िया यार भाई, आप बेच दीजिए। तो भाई ओवरऑल कुछ ऐसी वीडियो थी, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना, अगर आपको भी ये गाड़ी मतलब पसंद है या फिर आपके पास थी, दादा परदादा पे आपके पे भाई आपके पापा ने खरीदी थी, तो जरूर बताना कमेंट करके, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।